शाजिया आसिम है, मैं फैमिली मेडिसिन कंसल्टेंट हूँ। हमारी पूरी टीम एवर केयर हॉस्पिटल की तरफ से आज यहाँ पर आई है। पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब लोगों ने सुबह सुबह टाइम निकाला हमारे लिए और आप हमारी बात सुनने के लिए आए। और ये बहुत बड़ा जहाद है सर्दियों में गर्म बिस्तर को छोड़ना और बाहर निकलना, तो इस बात पे मैं आपको ज़रूर अप्रिशिएट करती हूँ। अच्छा, हमारा आज का मकसद कोई लंबे चौड़े लेक्चर देना नहीं आपको, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है और क्यों करनी है उसका हम आपको मकसद बताएंगे। एवर केयर हॉस्पिटल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है, ये एक इंटरनेशनल ग्रुप, एक चेन ऑफ हॉस्पिटल है और ये पाकिस्तान में इनका ये फ्लैगशिप हॉस्पिटल है। पूरी दुनिया में नवंबर को डायबिटीज़ अवेयरनेस मंथ के तौर पे मनाया जाता है। डायबिटीज़ यानी जो शुगर का मसला है उस पर हम बार बार इसलिए बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में उसकी शराब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम बात करें अपनी आबादी की, तो आप लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़ के करीब है और रिसर्च ये कहती है कि तकरीबन 1/4 जो हमारी आबादी है उसको शुगर का मसला है। सो आप सोचिए कि 5 करोड़ के करीब लोग हैं जिनको शुगर की बीमारी हो चुकी है। अगर इस शुगर की बीमारी को वक्त पे तशखीस ना किया जाए, इसका इलाज ना किया जाए, तो इसकी पेचीदगियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि उसकी वजह से अल्लाह ना करे आपके दिल के ऊपर असरात आ सकते हैं, गुर्दे फेल हो सकते हैं, बहुत सारे और मसले जो है वो जन्म ले सकते हैं। सो हमने आज ये बात करनी है कि अगर आज आप अपनी देखभाल करेंगे तो आप अपने मुस्तकबिल को महफूज कर लेंगे, ठीक है। सो बहुत सारे वो लोग जिनको अल्हम्दुलिल्लाह शुगर नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां करके शुगर से बच सकते हैं, और अगर अल्लाह ना करे किसी को शुगर डायग्नोस हो चुकी है तो फिर उनको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से शुगर से रिलेटेड पेचीदगियां उनकी ज़िंदगी में ना आए। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसको हम बहुत जल्दी से डिस्कस कर लें, क्योंकि मेरे पार्ट के बाद जो बहुत अहम पार्ट है वो डॉक्टर रबिया कैसर का है, तो मैं चाहूँगी कि उनकी बातें हम ज़्यादा अच्छे तरीके से सुन सकें। शुगर के बारे में आप लोगों की क्या जांच है, मैं किसी से भी जानना चाहूँगी कि आपकी नज़र में शुगर क्या है। जी जी जी, इंसुलिन। सो शुगर में होता क्या है, क्या होता है? जी जी बताएं। बिल्कुल सही है, ये एक एस्पेक्ट है इस चीज़ का कि जिनकी फैमिली में शुगर की बीमारी है उनके बच्चों को भी होने का चांस है। लेकिन अगर हम इसको बहुत सिंपलीफाई रखें तो जब आपके खून में शुगर की मिकदार एक ख़ास लेवल से बढ़ जाती है तो ये बीमारी की सूरत इख्तियार कर लेती है, ठीक है। सो हम सब के जिस्म के अंदर एक लबलबा पेंक्रियाज होता है जो कि इंसुलिन बनाता है। इस इंसुलिन का काम ये है कि जो भी हम खाना खाते हैं, जी जी बिल्कुल। तो शुगर की दो इकसाम हैं, इस पे डॉक्टर रबिया भी बात करेंगी कि टाइप 1 कौन सी होती है, टाइप 2 कौन सी होती है, कौन सी शुगर होती है जो पैदाइशी होती है। सो शुगर में नॉर्मली होता क्या है कि आपका लबलबा इंसुलिन नहीं बना पाता, या इंसुलिन बन तो रही होती है लेकिन वो सही तौर पे काम नहीं कर पा रही होती, जिसकी वजह से आपके खून के अंदर शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है, ठीक है। और ये चल के फिर बहुत सारी पेचीदगियों का बाइस बनती है। सो ऐसे कौन से अवामिल हैं जिनको चेंज करके हम इस शुगर से बच सकते हैं? देखिए, जैसे आपने भी बात की, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं बदल सकते। अगर किसी को पैदाइशी शुगर हो गई है, या किसी के ख़ानदान में शुगर है, या उम्र के साथ साथ शुगर का जो मर्ज है वो बढ़ता चला जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बदल सकते हैं और शुगर से बच सकते हैं। ये थोड़ी सी फिगर्स मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे मैंने आपसे भी बात की कि पाकिस्तान की 1/4 आबादी शुगर का शिकार हो चुकी है, और अलार्म ये बज रहा है कि बहुत सारे यंग जो लोग हैं, जो कि अभी अपनी 20s या 30s में हैं, और बच्चों को भी जैसे आपने बात की शुगर का मर्ज बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, और ये जो इंक्रीज़ एक आया है, जो ये शुगर का मर्ज बढ़ा है 2019 से ऑनवर्ड, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो उसकी क्या क्या वजूहत हैं ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं बात करूँगी कि आप अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ ला सकते हैं कि शुगर की बीमारी को आप कम कर सकें और उससे बच सकें। जी फादर,
सो सबसे पहले आपका वज़न, ठीक है। सो बहुत ही अहम चीज़ ये है कि अगर आपका वज़न आपके कद के लिहाज से ज़्यादा होगा, आपके अंदर चर्बी की मिकदार ज़्यादा होगी, तो आपके जिस्म में जो इंसुलिन बन भी रही है ये काम नहीं कर सकेगी, ठीक है। सो जो भी मोटे लोग हैं जिनका भी वज़न ज़्यादा है उनको शुगर का बहुत बड़ा रिस्क रहता है। तो एक चीज़ जो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जानिए कि आपका वज़न ज़्यादा तो नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो ये कैलकुलेशन ना भी करें तो पता चल जाता है ना खुद से, हम भी एक दूसरे को सुबह शाम बताते रहते हैं तुम मोटे हो रहे हो तुम पतले हो रहे हो। सो अगर आपका वेट आपके कद के हिसाब से ज़्यादा है तो इस पर गौर कीजिए। अगर आपके बच्चों का वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये मत सोचिए कि बच्चे सेहतमंद हो रहे हैं, आप ये सोचिए कि जो जो वज़न बढ़ता जाएगा शुगर के खदशात भी बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस कीजिए, अपने वज़न को कम करने की कोशिश करें। दूसरी बहुत अहम चीज़ हमारी खुराक, ठीक है। सो आजकल हम क्या खाते हैं, हमारी खुराक में क्या चीज़ शामिल है। आज से 50 साल 60 साल पहले चले जाइए तो क्या होता था, चक्की का आटा होता था, बाजरे की रोटी होती थी, साग होता था, ठीक है, सब्जियां होती थी, ऐसे ही होता था ना, फ्रेश चीज़ें होती थी। अब क्या होता है, नान होते हैं, बेकरी की चीज़ें होती हैं, ठीक है, डबल रोटी खाई जाती है, रस खाए जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी जाती हैं बहुत सारी। आज से अगर 50-60 साल पहले चले जाएं क्या देते थे, जब कोई मेहमान आता था चाय बना देते थे, लस्सी दे देते थे, ठीक है, अब क्या देते हैं, पेप्सी देते हैं, कोल्ड ड्रिंक देते हैं। अगर कोई ना पिए तो नाराज़ भी होते हैं, अगर कोई कह दे ना कि नहीं मैंने ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी तो कहते नहीं नहीं अपने घर में बेशक ना पी ले ना हमारे घर में पी ले। हर दावत में हर शादी में कोल्ड ड्रिंक मौजूद होती है, ऐसा है या नहीं। अच्छा दूसरी बात, डब्बे के जूस, नाम नहीं लूँगी, डब्बे के जूस हम समझते हैं कि मैं जब माओ से पूछती हूँ कि आपका बच्चा क्या खाता है तो वो कहते हैं डब्बे का जूस बड़े शौक से पीता है, ठीक है। तो आपका क्या ख्याल है, डब्बों के जूस में फलों की कोई गजाइत होती है, बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ चीनी घुली होती है, फ्लेवर डला हुआ होता है। सो ये दो चीज़ें, आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स या आपकी कोल्ड ड्रिंक्स और साथ आपके डब्बे के जूस, अगर एक ग्लास है तो उसमें 5 से 7 चम्मच चीनी जो है वो मौजूद है। सो सोचिए कि अगर आप एक दिन में 1 या 2 दफ़ा भी कोल्ड ड्रिंक खुद पीते हैं या अपने बच्चों को पिलाते हैं तो कितनी चीनी आपके अंदर जा रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको सामने नज़र आ जाती हैं, जी ये मीठा है, ये गुलाब जामुन है, ये सारी चीज़ें मीठी हैं। कुछ होती हैं जिनको हम हिडन शुगर्स कहते हैं, छुपी हुई शुगर, वो किस चीज़ में है। मैं कई दफ़ा ख़वातीन से पूछती हूँ जी नाश्ते में क्या खाती हैं, वो कहती हैं रस, रस में शुगर होती है। बेकरी का हर आइटम शुगर के साथ बनता है, चीनी डलती ही डलती है, ठीक है। ब्रेड में आप ब्रेड को क्या समझ के खा रहे हैं, हल्की गिज़ा खाते हैं, सुबह उठ के हम ब्रेड खा लेते हैं, ब्रेड के अंदर चीनी होती है, मैदा होता है। बेकरी की सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दीजिए, ठीक है, जितना भी। अच्छा हाँ, एक और चीज़ जो बड़ी कॉमन है, हिजाब ने कल इसका जिक्र किया था, ये जो आजकल फ्लेवर्ड मिल्क मिल रहे हैं बच्चों के, ऑल पर्स चॉकलेट वाला दूध है, माइलो है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीनी मौजूद होती है, ठीक है। हम अपने बच्चों को ये दे रहे होते हैं कि जी दूध तो अंदर जा रहे हैं ना, इस दूध के अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसमें इतनी चीनी है कि वो दूध के कैल्शियम और विटामिन डी को वैसे ही ख़त्म कर देती है, ठीक है, उसके लिए भी ठीक नहीं है, उसके लिए भी ठीक नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि आप उसको, इसको हम कहते हैं खाली यानी एम्प्टी कैलोरीज, उसको कोई गजाइत नहीं मिल रही, सिर्फ कैलोरीज उसके अंदर जा रही हैं, ठीक है, जो कि जाहिर है। और आपके बच्चों, आपके ग्रुप को हमने इसलिए फोकस किया है कि देखिए अगर आपका बच्चा ज़हनी तौर पर थोड़ा सा चैलेंज्ड है तो उसको कुछ मखसूस खुराक की ज़रूरत है। मैं इस टॉपिक को भी इसलिए नहीं छोड़ी कि हिजाब इस पर जो है वो बात करेंगी, तो इनका वज़न मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर जो माएँ प्रेग्नेंट हैं या जो जिनको हमल है उनको शुगर की जांच पड़ताल और शुगर का सही रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर माँ को शुगर होगी तो बच्चे के अंदर पैदाइशी नुक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। बात आगे कर लीजिए। सो अब आप कहेंगे कि हम खाएं क्या, नहीं आप कहेंगे कि जी बेकरी की चीज़ें भी मना कर रही हैं, जो मैदे वाला आटा है वो भी मना कर रही है, तो फिर हमने खाना क्या है। देखिए हमारे इर्द-गिर्द बहुत सारी नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमने खानी छोड़ दी हैं, सब्जियाँ, हर तरह की सब्जियाँ, पूरा बाउल भर के खाइए, 4 से 5 सब्जियाँ कच्ची खाइए, कोई शुगर नहीं है इसमें, इतनी गजाइत है, आपके लिए बेहतरीन चीज़ है। फल खाए जा सकते हैं, कुछ फल ऐसे हैं
जिस तरह से जिनमें शुगर की मकदार ज़्यादा होती है, जिस तरह आम है, खजूर है, बाकी मेजॉरिटी फल ऐसे होते हैं जिसमें शुगर की मकदार बहुत ज़्यादा नहीं है और उसमें अच्छी शुगर है आपके लिए, वो लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अंडे, दूध, गोश्त, अगर गोश्त या अंडे अफोर्ड नहीं कर सकते तो दालें, दालें बहुत बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है। अच्छा, दूसरे अपने आटे को, जो कल भी मैंने बात की थी कि मल्टी ग्रेन बना लीजिए, सिर्फ गंदम का आटा नहीं खाइए। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी जो एक गंदम की चपाती है उसमें 4 चम्मच चीनी के बराबर शुगर मौजूद है, ठीक है। सो इसलिए जो लोग कहते हैं कि हम तो और कुछ नहीं खाते, सिर्फ गंदम की रोटी खाते हैं, उनकी भी शुगर कंट्रोल नहीं होती, उनका भी वजन बढ़ता जाता है। सो अपने आटे में बहुत सारे और आटे मिला लीजिए, जौ का आटा मिला लें, बाजरे का आटा मिला लें, ज्वार मिला लें, वही चीज़ें जो आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले हमारे बुजुर्ग करते थे, उसी खाने को अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए, तो ये आपके लिए बेहतरीन खाना बन जाएगा। अंडों के बारे में क्या मिथ है, अंडे नहीं खाने, गर्मी हो जाती है, मैदा खराब हो जाता है, मुंह पे दाने निकल जा, आप लोग भी यही सोचते हैं, ऐसा ही है, ब्लड प्रेशर हो जाता है अंडे खाने से, बिल्कुल नहीं होता, ब्लड प्रेशर का अंडे से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। आपके चेहरे पे अगर दाने आ रहे हैं उसका अंडों से कोई ताल्लुक नहीं है। अंडा एक बेहतरीन गज़ा है क्योंकि इसमें प्रोटीन भी मौजूद है, इसमें बी कॉम्प्लेक्स भी मौजूद है, खुद भी खाइए, अपने बच्चों के खाने में भी शामिल कीजिए। दालें बहुत अच्छी हैं, गोश्त अगर पक जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं पक सकता, कम से कम दिन में एक दफ़ा एक खाने में आपकी कोई ना कोई दाल ज़रूर शामिल होनी चाहिए। सो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो गज़ाइत भी देती हैं और शुगर को भी कंट्रोल करती हैं। अच्छा, उसके बाद फिज़िकल एक्टिविटी, हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम हमारा आजकल टीवी के सामने, मोबाइल पे, थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया, फिर टीवी देखने लगे, फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ना होने के बराबर है। कम से कम 30 मिनट रोज़ाना पैदल चल लिया करें, किसी पार्क में चले जाएं, पार्क में जगह नहीं है तो छत पे चले जाएं, छत पे नहीं है तो अपने कमरे के अंदर वॉक कर लिया करें, लेकिन कम से कम 30 मिनट की फिज़िकल एक्टिविटी सबके लिए ज़रूरी है। वो इसलिए कि जब आप चलते हैं, जब आपका जिस्म हरकत में रहता है तो खून के अंदर शुगर की मकदार खुद ब खुद कम होती चली जाती है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, अब ये तो एक बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन जिनके घरों में जो लोग भी सिगरेट पीते हैं, वेप का इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ना करे अल्कोहल या किसी भी किस्म का ड्रग है, वहाँ पर शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज होने के खदशात बहुत बढ़ जाते हैं। सो हमारे यहाँ अमूमन ये तासुर है कि ख़वातीन तो ऐसा नहीं करती, लेकिन मर्द हजरात भी अगर कर रहे हैं तो आपके अंदर भी वो हार्मफुल केमिकल जा रहे हैं, तो अपने घरों के लोगों की इस आदत को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। कैसे कर सकते हैं, डॉक्टर से मशवरा कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो लेकर आ रही हैं। अच्छा जी, अब एक और जिसको हम कहते हैं कि हमारी तबीयत की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शुगर का बाइस बन सकती हैं। अगर आप हर वक्त गुस्से में रहते हैं, कंपटीशन रहता है, ठीक है, उसके पास ये चीज़ आ गई, मेरे पास क्यों नहीं आई, उसका बच्चा वहाँ पहुँच गया, मेरा क्यों नहीं पहुँचा, उसके पास ये सूट आ गया, मेरे पास क्यों नहीं आया। सो इस तरह का बिहेवियर छोड़ दीजिए, मसाइल को हल कीजिए, मसाइल पर लड़ना छोड़ दीजिए, फजूल की स्ट्रेस लेना छोड़ दें। ये सारी चीज़ें, जितना आप टेंशन में रहते हैं, जितना आप सोचते ज़्यादा हैं, हमारे जिस्म में हार्मफुल हार्मोन्स बनते हैं जो कि आपकी शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सो इस चीज़ पे सोचिएगा, मसाइल का हल ढूंढना है, मसाइल पे कुड़ना नहीं है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इस पे अगर आप अमल करें तो ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। जी जी जी, वो हम उस पर बात करते हैं, वो डॉक्टर रबिया के भी टॉपिक में है, पहले हम इसको, जी जी बिल्कुल, वो उसकी क्या वजह है वो भी हम आपको बताते हैं कि टांगे क्यों सुन हो जाती हैं। अच्छा जी, अब एक बहुत बहुत अहम चीज़, ये मैंने इतना लंबा स्लीप क्यों लिखा है, देखिए अल्लाह ताला ने हमारा ये जिस्म बनाया, हमारे जिस्म के मैन्युफैक्चरर अल्लाह ताला की ज़ात है, उन्होंने हमारे लिए एक सिस्टम बनाया है, दिन को जागना, रात को सोना, इसके पीछे लॉजिक है। पूरे दिन में जितनी टूट फूट हमारे जिस्म में होती है वो रात को सोने से रिकवर हो जाती है, आपकी भी और आपके बच्चों की भी, ठीक है। सो अगर आप खुद रात को नहीं सोएंगे, सबसे बेहतरीन नींद है रात को 10 से लेके सुबह 4 बजे तक की, ठीक है। अगर आप 10 से 4 बजे की नींद नहीं पूरी करते, अपने बच्चों को नहीं सुलाते, बच्चों की जहनी डेवलपमेंट रुक जाएगी, ठीक है। और आपकी अगर रात की नींद नहीं पूरी होगी
तो शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट के अमराज होने का चांस बढ़ता जाएगा। ये स्टडीज कहती हैं, इस पे रिसर्च हो चुकी है कि जो लोग रात की नींद नहीं पूरी करते उनको शुगर होने का खतरा बढ़ता जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल रात को? गपशप चलती है, फेसबुक होता है, यूट्यूब चलती है, ठीक है, ऐसा ही होता है। और रात को सोते सोते 12 एक दो तो आराम से बच जाते हैं, ठीक है। सुबह बेचारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते, जाते हैं तो आधा स्कूल में जो है वो सो रहे होते हैं। सो प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने आपसे बात की, वज़न को बरकरार रखना, अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज करना, नींद को बेहतर करना, ये चीज़ें आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती हैं। सो मैं अपने सारे मरीजों से कहती हूँ कि देखिए, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। कोई डॉक्टर आपकी एक दिन की ज़िंदगी बढ़ा नहीं सकता, जो दिन कब्र के अंदर है वो बाहर नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके अपने हाथ में है, ठीक है। अगर आपने ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है कि अस्पतालों की लाइन में लगे रहना है, डॉक्टरों के पास चलते रहना है, एडमिट होते रहना है, तो भी आपके हाथ में है। और अगर आपने ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है जिसमें बुढ़ापे तक आपने एक्टिव रहना है, अच्छे से काम करना है और अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारना है, तो भी आपके हाथ में है। आज से सोचना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह कल आपका अच्छा गुजरेगा, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन आंसर्स का जो सेशन है वो हम इंशाल्लाह एंड में करेंगे। अब मैं दावत दूंगी डॉक्टर रबिया कैसर को। डॉक्टर रबिया कैसर माशाल्लाह अमेरिका से ट्रेंड हैं, 15 साल इन्होंने USA में काम किया है। इनकी मेडिसिन के बारे में बहुत सारी रिसर्च है, इनका बहुत स्पेशल इंटरेस्ट है मेडिकल इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में भी। तो आज जो है वो हमसे ये डिस्कस करेंगी कि अगर शुगर हो जाती है तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आप शुगर की पेचीदगियों से बच सकते हैं। सो आइए डॉक्टर रवि। लोगों ने मौका दिया यहाँ पे आने का और बात करने का, और आप लोगों का शुक्रिया कि आप भी आए सुनने के लिए। तो डॉक्टर शाजिया की इतनी भरपूर और इतनी मोटिवेटिंग प्रेजेंटेशन थी कि अब तो सभी का दिल करेगा कि बस आज से हमने हेल्दी लाइफस्टाइल ही गुजारना है इंशाल्लाह। अगर खुदा ना खास्ता फिर भी डायबिटीज़ हो जाए, जैसे आपने कहा कि जेनेटिकली फैमिलीज़ में रन करता है, वो भी बात सही है, लेकिन आजकल ज़्यादा जो फैक्टर है वो डाइट का ही है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल हमारा सही नहीं है, उसकी वजह से डायबिटीज़ ज़्यादा हो रही है। तो अगर फिर भी हो जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए और क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, उसके लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर शाजिया ने ऑलरेडी हमें बता दी है कि डायबिटीज़ क्या है। सिंपल फॉर्म में ये है कि जो आप जब शुगर खाते हैं, और शुगर का मतलब सिर्फ वो चीनी नहीं है जो चीनी का हम बात करते हैं, एक पूरा ग्रुप होता है खाने का जिसको हम शुगर कहते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि गंदम की रोटी भी आ जाती है, रस भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो वो जब आप खाते हैं ना, तो वो बॉडी को सही तरह समझ नहीं आती कि उसको बेसिकली डाइजेस्ट कैसे करना है और मेटाबोलाइज कैसे करना है उसको। तो ये सिंपल फॉर्म में ये बीमारी फिर शुगर की बीमारी बन जाती है। और वो क्यों होती है, इसको आगे करें, तो ये जो डॉक्टर शाजिया ने मेंशन किया, ये लबलबा है, ये जो रेड लाल रंग का दिखाया है, ये देखिए ना, ये आपका दिल है सीने के अंदर, ये लंग्स हैं इस तरफ, ये लिवर है आपका जिगर, ये स्टमक है जिसको मैदा कहते हैं, मैदा यहाँ पे होता है, ये मैदे की जगह होती है, मैदे के बिल्कुल पीछे लबलबा होता है, ठीक है। ये लबलबा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ही आपको ये शुगर की चीज़ मुँह में डालते हैं ये इंसुलिन रिलीज़ करना शुरू कर देता है, इसको पता होता है कि अब खाना आ गया है तो अब मैंने काम करना है, ठीक है। अगर तो जितना आप शुगर ले रहे हैं उसके मुकाबले की ही इंसुलिन बन रही है तो शुगर आपकी सही तरह डाइजेस्ट हो जाएगी और वो अपनी जगह पे चली जाएगी। अगर आप शुगर ले रहे हैं और इंसुलिन उतनी नहीं बन रही, या इंसुलिन बन भी रही है तो वो उस तरह से काम नहीं कर रही, तो शुगर अपनी जगह पर नहीं जाएगी, और जब वो अपनी जगह पे नहीं जाएगी तो आपको फिर भी भूख लगेगी और आपका दिल करेगा कि आप और चीनी खाएं, और खाना खाएं। जैसे आपने कहा था ना कि भूख बहुत लगती है, वो इसीलिए लगती है या चीनी का बड़ा दिल खाने का दिल करता है, क्योंकि चीनी अपनी जगह पे ही नहीं पहुंच, चीनी नहीं, शुगर अपनी जगह पे ही नहीं पहुंचती जहाँ पे उसे जाना होता है। आगे करें, जैसे ये है ना शुगर, ये जो है शुगर, इसने जाना है ये बॉडी के सेल में। सेल क्या होता है जी, छोटा, बॉडी के जो सबसे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको सेल कहते हैं। तो
तो जब डाइजेस्ट होएगी, इसने जाना है इस सेल के अंदर, और ये सेल के अंदर इसको इंसुलिन घुसाती है। तो अगर इंसुलिन नहीं होएगी तो ये सेल के अंदर नहीं जा पाएगी, या अगर इंसुलिन उस तरह से काम नहीं कर रही तो आपने जो शुगर खाई है वो सेल के अंदर नहीं जा पाएगी, और जब वो नहीं जा पाएगी तो फिर सारी खराबी मचेगी बाहर। और आपको, जैसे आप कह रही है ना, भूख बहुत लगती है या चीनी खाने का दिल चाहता है, और खाने का दिल चाहता है, फिर आप और खाते जाते हैं, उससे वज़न भी बढ़ता जाता है, लेकिन सेल को वो खुराक नहीं मिलती जो कि आपको मिलनी चाहिए इंसुलिन के बगैर। तो ये मसला होता है शुगर के साथ। अच्छा, जब शुगर हो जाए तो वैसे तो बहुत दफ़ा ऐसे भी होते हैं कि कुछ सालों से हुई होती है, इंसान को पता ही नहीं चलता कि शुगर हो रही है अंदर। जैसे ब्लड प्रेशर भी कहते हैं ना, साइलेंट किलर है। ब्लड प्रेशर होता है, इंसान का हाई होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को महसूस ही नहीं होता। इसी तरह शुगर की बीमारी का भी ये हो सकता है कि हो चुकी हो और महसूस ना हो आपको कि शुगर हुई हुई है। तो उस फिर क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आपको महसूस ही नहीं हो रही तो ये क्या बीमारी हुई, वो क्या बीमारी हुई जो महसूस ही ना हो। असल में वो खामोशी से हमारे जो बॉडी के बाकी के अज़ा हैं ना, उनको आराम आराम से ख़राब करती जाती है शुगर की बीमारी जो होती है। और हाँ सॉरी, ये तो डेफिनेशन होगी ना सेकेंडरी प्रिवेंशन की, सॉरी मैं उसके ऊपर, हाँ इधर कर लें आप। तो वो आपके अंदर क्यों ख़राब करती जाती है सब कुछ, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता शुगर की बीमारी बाकी के अज्जा क्यों ख़राब करती जाती है, वो इसलिए ख़राब करती जाती है, नेक्स्ट लगाएं, कि जो आपकी बेसिकली जो सारी खून की नालियाँ होती हैं ना, वो उसको तंग कर देती है जाके। जो शुगर जब बीमारी हो जाती है ना, तो आपकी खून की नालियाँ जो होती हैं ना, वो तंग हो जाती हैं। अच्छा, कहाँ पे होती हैं खून की नालियाँ जिस्म में, कहाँ कहाँ होती हैं खून की नालियाँ? पूरे जिस्म में होती हैं, जाहिर है कहीं भी खून की नाली, ऐसे खून की नाली के बगैर तो कोई भी अज़ा काम नहीं करता, दिमाग ना, दिल ना, कोई। तो जब आपकी खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं, तो आगे से जो अज़ाएँ वो भी ख़राब काम करने बंद हो जाते हैं या कम काम करते हैं। ये बेसिक तरीका है, और भी तरीके हैं शुगर का अज़ा को ख़राब करना, लेकिन ये वाला एक बेसिक तरीका है जिससे शुगर जो है वो जिस्म के ऊपर असर करती है। नेक्स्ट करें। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब आपके ये ब्लड वेसल्स या खून की नालियाँ ख़राब हो जाती हैं, तो उसके बाद क्या होता है? आँखें, दिल, गुर्दा, नर्वस सिस्टम, जो आपने बात की थी कि पैर सुन्न हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम, दिमाग, मैदा, दांत और गम्स, ये सब भी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे पेशेंट्स को ओवरऑल, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं या जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, उनको ओवरऑल इन्फेक्शन भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका बॉडी का जो फाइटिंग मैकेनिज़म होता है ना, या जिससे वो अपनी बॉडी को बचा सकते हैं इन्फेक्शन से, वो भी कम पड़ जाता है। और अगर उनको कोई ज़ख़म हो जाए, यानी कि कोई जिस तरह ज़ख़म हो जाए, या उनके कोई ऑपरेशन हो जिसका ज़ख़म हो, तो वो हील भी मुश्किल से करता है, या वो हील भी अच्छे से नहीं करता जिस तरह से एक नॉर्मल जिस्म करता है। तो इसलिए डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा बुरे असरात होते हैं पूरे जिस्म के ऊपर। या आप लोगों को डराने के लिए मैं सच नहीं बता रही, लेकिन मैं अवेयरनेस के लिए बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ सिर्फ शुगर की बीमारी का नाम नहीं है, इसके असरात बहुत ज़्यादा हैं, इससे बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या करना चाहिए अगर डायबिटीज़ हो गई है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने अज़ा को कैसे बचा के रखना है? उसमें करना ये है कि जैसे आपको आपका डॉक्टर कहता है ना, आपने वो बातें जो हैं वो माननी हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो दवाइयाँ लेनी बंद कर देते हैं डायबिटीज़ की, बहुत सारे ऐसे क्योंकि वो समझते हैं कि अब तो मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, मैं ठीक हो गई हूँ, तो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो इंसुलिन नहीं लेना चाहते और डॉक्टर्स को कहते हैं कि हमने नहीं लेनी, हमें कुछ और दें, इंसुलिन नहीं लेनी। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आपका जो डायबिटीज़ है वो इंसुलिन के बगैर नहीं
हो सकती ठीक, मतलब बेहतर नहीं हो सकती, और अगर वो नहीं होएगी तो आपके अज़ा के ऊपर असर होएगा, लाजमन होएगा। अच्छा, तो क्या करना है इसका एक वाहिद, अगर एक जुमले में मैं आपको बताऊं तो ये है कि ब्लड शुगर का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो नॉर्मल अल्लाह ताला ने जिस रेंज में हमारी रखी हुई है ना, जिस रेंज में हम मेंटेन लबलबे के साथ करते हैं, तकरीबन उस रेंज में मेंटेन करने को की बहुत ज़रूरत है हमें। उसका क्या मतलब है, कुछ मैं थोड़े से मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करूँगी ताकि आप लोग फेमिलियर हों, ताकि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो आपको ये ना लगे कि ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या कह रहा है। एक खून का टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C, ये याद कर लें आप लोग, HbA1c। HbA1c आपकी 3 महीने की एवरेज शुगर बताता है। ठीक है, जो 3 महीने में एवरेज शुगर रही है ना वो बताता है, और उसकी बेसिस पे डॉक्टर्स बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। एक अमूमन एक डायबिटीज़ के मरीज में HbA1c को 7 से कम होना चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे आ सकती है, वो इंडिविजुअलाइज है, लेकिन हम अमूमन की बात कर रहे हैं। ठीक है, 7 का नंबर है, उससे A1c आपकी कम होनी चाहिए एक डायबिटीज़ के मरीज में। जिस तरह से आपको आपका डॉक्टर कहता है कि आपने हर 3 महीने बाद A1c करवानी है चेक, या हर 6 महीने बाद करानी है, आपको उस तरह से करवानी चाहिए। शुरू में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करवानी पड़ेगी, 3 महीने, हर 3 महीने बाद। फिर एक दफ़ा जब आप सेट हो जाते हैं एक रेजिमेन, एक दवाइयों के रेजिमेन पे, तो ज़्यादा भी देर से हो सकती है, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा देर कभी भी कोई डॉक्टर किसी डायबिटिक को इससे ज़्यादा डिले नहीं करेगा। तो 3 to 6 months अगर वो कह रहे हैं कि करवाएं, तो प्लीज़ करवाएं इसको, ताकि आपको पता हो कि किस तरह से अब हमने और चीज़ों को इम्प्रूव करना है, दवाइयाँ और डाल के, या दवाइयों को कभी कभी कम भी करनी पड़ जाती है, दवाइयों को कम करके। और डॉक्टर शाजिया ने इस चीज़ का तो जिक्र किया ही है कि जो आपका हाइट के मुताबिक वेट होना चाहिए वो सही होना चाहिए, यानी कि डायबिटीज़ हो भी जाए तो आपका वेट लॉस और मोटापे को कम करना उसी तरह जारी रहना चाहिए। बेशक कि वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा डायबिटीज़ होने के बाद, ख़ासतौर पे टाइप 2 वाली जो डायबिटीज़ होती है, लेकिन आपको उसमें मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, तो ताकि इसी से आपकी डायबिटीज़ ज़्यादा बेहतर कंट्रोल होगी। तो आपके डॉक्टर को भी चाहिए कि हर 3 से 6 महीने बाद आपका वेट जो है वो चेक करें, ताकि वो बता सकें कि आप उस रेंज में आ रहे हैं कि नहीं। तो नंबर 1 टेक होम पॉइंट, बाकी सब अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपने ये बात याद रखनी है कि ब्लड शुगर आपकी बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल में रहनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए अपने आप को बहुत डिसिप्लिन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ कोई अनहोनी ना हो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी शॉर्ट ना हो जाए, यानी कि वो तो जैसे ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में ही है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अगर इन्होंने ऐसे किया होता तो शायद इनको चंद साल और मिल जाते, ये तो इंसान की अपनी बातें होती हैं ना। लेकिन तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अज़ा ज़्यादा देर तक हेल्दी रहें, तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करना लाजमी बात है। तो हार्ट में क्या क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, अगर आप डायबिटीज़ को सही कंट्रोल नहीं करेंगे तो हार्ट अटैक होएगा। हार्ट अटैक से हार्ट फेलियर भी होएगा, ये मैं बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स नहीं यूज़ करी, आपको पता है हार्ट अटैक क्या होता है, आपको पता है हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट फेल हो गया उसका, उसको हार्ट अटैक हो गया। इसके लिए एक तो ब्लड शुगर कंट्रोल करना लाजमी है, लेकिन चंद और चीज़ें भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होना बड़ा ज़रूरी है। स्मोकिंग की बात कही थी, जो स्मोकिंग कर रहा है वो स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दे, ज़ीरो कर दे। कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है, ये भी इसमें डाइट भी आ जाती है, एक्सरसाइज भी आ जाती है, वेट लॉस भी आ जाता है। और कुछ लोगों को रोज़ एक एस्पिरिन खानी ज़रूरी है, सबके लिए नहीं है, कुछ के लिए है, या आप अपने डॉक्टर से रजू करेंगे इसके बारे में। ठीक है, आँखें ख़राब हो सकती हैं टू अ पॉइंट के पेशेंट अंधा भी हो सकता है, यानी कि आपकी बिनाई बिल्कुल लूज भी हो सकती है, तो इसके लिए या तो कम भी हो सकती है और लूज भी हो सकती है। इसके लिए आपको साल में एक दफ़ा कम से कम
एक ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास जाके अपना डेप्थ में आई का चेकअप कराना ज़रूरी है। अगर डिजीज़ हो गई हुई है आँख की डायबिटीज़ की वजह से तो ज़्यादा जल्दी जल्दी भी जाना पड़ सकता है, लेकिन अगर नहीं हुई तो साल में एक दफ़ा चेक कराना ज़रूरी है। कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगी आपको, लेकिन आप बस कह लें कि टाइप 1 एक किस्म की डायबिटीज़ होती है। इसमें आपके पास फिर भी मार्जिन होता है 5 साल का कि आप 5 साल बाद बेशक ये चेक कराना शुरू करें अपने आप को। लेकिन जो टाइप 2 होता है, जैसे ही आपको डायग्नोसिस होता है आपने फौरन चेक कराना शुरू करना है। और ये कौन बताएगा? ये आपको डॉक्टर बताएगा कि आपको टाइप 1 है कि टाइप 2 है, ठीक है? अगर डॉक्टर ने आपको आँखों के चेकअप के बारे में नहीं बताया, आप पूछें अपने डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मैंने सुना है कि इससे आँखें ख़राब हो जाती हैं, मुझे बताइए कि मैं कब आँखों का चेकअप करवाऊँ, ये पूछना लाजमी है। हाँ, वो वैसे तो भेज देते हैं, वैसे तो सब डॉक्टर्स भेजते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं आपको बता रहा तो आप ख़ुद पूछें डॉक्टर से। पैरों का मसला आपने ज़िक्र किया था कि पैरों में सुइयाँ चुभती हैं, बिल्कुल ये भी डायबिटीज़ के ना कंट्रोल होने की वजह से, और साला साल जब नहीं कंट्रोल रहती तो जो आपके नर्व्स होते हैं टांगों के वो ख़राब हो जाते हैं। जब वो ख़राब हो जाती हैं आपकी नर्व्स, तो फिर आपको पैरों की महसूस करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, और आपको टांगों में दर्द भी होती है, आपको टांगों में ऐसे लगते हैं जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं, ठीक है? इसका एक ही, अगर ये एक दफ़ा हो जाए तो अनफॉर्चुनेटली इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। कुछ दवाइयाँ दर्द की होती हैं जो हम दे सकते हैं ताकि दर्द थोड़ी कम हो जाए, लेकिन इस चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसको कि ये हो ही ना, ब्लड शुगर का कंट्रोल करना लाजमी है। मसला ये है कि अगर ये खुदा ना खास्ता हो जाए, क्योंकि सलाहियत महसूस करने की कम हो जाती है, तो लोगों को ज़ख़म पैरों में हो सकते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि उनको ज़ख़म हो गए हैं, और वो ज़ख़म ख़राब होकर गैंग्रीन बन सकता है। मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं। ये प्लीज़ मत करिएगा कभी भी कि मेरे पास एक ऐसा पेशेंट आया था जिसके पैर में कील घुस गया था, उसको पता नहीं चला था, और उसने खुद ही कील निकाल के अपना खुद ही इलाज किया, और 15 दिन भी नहीं, 5-6 दिन बाद उसका काला हो गया हुआ था पैर, और फिर हमें काटना पड़ा था। आपको कोई भी ज़ख़म नज़र आए डायबिटीज़ का, डायबिटीज़ हुई और ज़ख़म पैर पे नज़र आए, तो डॉक्टर से रुजू कीजिए प्लीज़, एज सून एज पॉसिबल। ख़ुद से इलाज मत कीजिए इसका। ये मैं आपको इसलिए दिखा, मॉइस्चराइज करके रखें अपने पैरों को, क्योंकि आपको पता है पैरों में वो फिशर्स भी पड़ जाते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, फटी हुई एड़ियों को भी वो मॉइस्चराइज करें ताकि एड़ियाँ भी ना फटें। तो ये चीज़ें करनी आपके लिए बहुत लाजमी है अपने पैरों को इस तरह से बचाने के लिए। किडनीज़ डायबिटीज़ से फ़ेल हो सकती हैं टू अ पॉइंट के खुदा ना खास्ता डायलिसिस कराना पड़ सकता है, और डायलिसिस को लाइटली ना लें। अगर आपको डायबिटीज़ मैनेज करना मुश्किल लगता है, डायलिसिस उससे 100 गुना ज़्यादा मुश्किल है मैनेज करना। तो इसके लिए कुछ टेस्ट हैं जो आपको डॉक्टर बताएगा और एनुअली कराने ज़रूरी हैं। एक पेशाब का टेस्ट है, कुछ खून के टेस्ट हैं, और फिर डॉक्टर्स बहुत दफ़ा आपको एक ऐसे मेडिसिन पे डालते हैं, ऐसी दवाई पे डालते हैं जो किडनीज़ को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है? उसको आपने शायद सुना हो, ईजी डे नाम होता है, बेरीटेक है नाम, इस तरह के नाम है, ओलमेसार्टिन, वालसार्टिन, लोसार्टिन, लाइसिनोप्रिल, ऐसे मैं नाम ले रही हूँ ताकि आप लोग फेमिलियर हों। देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप इसको याद रखें कि बहुत सारी दवाइयाँ एक कैटेगरी में तो आ जाती हैं, लेकिन उनके बहुत सारे काम होते हैं। तो आप सही कह रही हैं कि वो मेनली तो ब्लड प्रेशर के लिए ही है, लेकिन इट्स फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, किडनीज़ को बहुत प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन देती है किडनीज़ को, तो दोनों के लिए है वो। नेक्स्ट कर दें। अच्छा, ये ऐसे तस्वीर इसलिए शेयर की है कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है ना, उसको हफ्ते में 3 दफ़ा 4-4, 5-5 घंटे के लिए ऐसे किसी जगह पे जाके मशीन के साथ अपने आप को कनेक्ट करा के खून साफ करवाना पड़ता है। तो इट्स डायलिसिस को लाइटली मत लीजिए, ये मतलब इसमें बहुत लाइफस्टाइल का बड़ा ज़्यादा रोल होता है, डिसिप्लिन और भी ज़्यादा करना पड़ जाता है अपने आप को, और बहुत तकलीफ़ में भी डालना पड़ता है अपने आप को। दांतों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है,
इसके लिए आपने अपना चेकअप कराना है, कम से कम साल में एक दफ़ा डेंटिस्ट से दांत ज़रूर दिखवाने हैं, वरना जल्दी दांत गिर जाएंगे, उम्र से पहले दांत गिर जाएंगे, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं उनको इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो वैक्सीनेशन कंप्लीट होनी ज़रूरी है। अब देखिए, एक तो वो जो एहतियाती वैक्सीनेशन होती है ना, जो हम बच्चों को लगवाते हैं जब वो पैदा होते हैं, लेकिन अडल्ट के लिए अलहदा से पैनल होता है एक सारा, जो अडल्ट स्पेशली अबव 60-65 की मैंने ये मैंशन की हुई है कि नमोनिया की वैक्सीन, फ्लू की वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, और शिंगल्स की शायद पाकिस्तान में नहीं है लेकिन मैंने मेंशन कर दी है कि ये कुछ वैक्सीन्स हैं, ये करवाना आपके लिए लाजमी है। तो विद दैट आई विल फिनिश एंड आई होप कि आप लोगों को थोड़ी बहुत ज़्यादा इनसाइट मिली हो कि जब डायबिटीज़ हो जाती है तो उसके कितने ज़्यादा मसले हो सकते हैं और उन मसलों से आप बच सकते हैं, ठीक है। ये आपके हाथ में है कि आपने अपने आप को कैसे डिसिप्लिन करके रखना है। ओके जी, थैंक यू। आपको इन सब जो ड्रोनी चीज़ें दिखाई गई हैं, ये ख़तरनाक तरीन मनाजिर हैं डायबिटीज़ के, उन तमाम मरहलों से बचने के लिए, उस बचाव के लिए ये अवेयरनेस हमारा आने का मकसद ही है, ठीक है। अब ये किस तरह से, अब यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और ये मोस्टली ये वो बच्चे हैं जो हमसे तो दे आर स्पेशल, बट ये वो बहुत हसास नेचर के होते हैं। अब उनको हम किस तरह से लिंक कर रहे हैं डायबिटीज़ के साथ कि जितने भी डाउन सिंड्रोम है या जिनमें थोड़ी सी मेंटली डिसेबिलिटी है, सिर्फ डिसेबिलिटी सिर्फ एक है कि आपके बच्चे स्लो हैं, वो हमसे भी आगे निकल सकते हैं ज़िंदगी की दौड़ में, पढ़ाई में। आपने देखा होगा ये बहुत लविंग होते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एक नॉर्मल हम लोगों की जो जनरेशन है उसमें बच्चा उठ के आपकी बात नहीं सुनता, लेकिन ये उन चीज़ों को पिक करते हैं, दे वेरी सेंसिटिव, बहुत हसास होते हैं, बहुत प्यार करने वाले होते हैं। तो उनमें एक ये चीज़ है कि उनमें शुगर की डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक छोटा सा ये नुक्स है कि जो जिनमें थोड़ी सी मेंटली स्लो हैं उनमें शुगर डेवलप होने के बहुत जल्दी, 5-6 ईयर्स के बच्चे, 16 ईयर्स, 15 ईयर्स, छोटे छोटे बच्चों में प्री डायबिटिक स्टेजेस डेवलप हो चुके होते हैं। अब प्री डायबिटिक स्टेज क्या है? वो ऐसा स्टेज है जिसमें आपको शुगर नहीं है, ना आपको है ना आपके बच्चों को है, लेकिन आप में बाज़ूकात अलामत भी नहीं होती, जैसे मैंने बताया कि अलामत कुछ ऐसे स्टेजेस होते हैं, अलामत नहीं होती, लेकिन आपकी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ होता है, आपके जो ब्लड है उसमें बढ़ा हुआ है, लेकिन आपको कोई अलामत नहीं नज़र आ रही होती, और वो कुछ हफ्तों से कुछ महीने लेती हैं और महीने से कुछ साल तक चीज़ जाती है, और फिर आपको जब वो स्पेसिफ़िक कह सकते हैं अलामत शो होती हैं कि बहुत ज़्यादा पेशाब का आना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत प्यास लगना, ये जो पाँव सुन होना, सुई की तरह जो चुभन वाला एहसास होता है, सो ये सारी चीज़ें तब डेवलप होती हैं जब ये बहुत अरसे तक आपकी बॉडी में शुगर बढ़ी हुई थी। बच्चों को हम, मेरा इंटायर फोकस, मेरा नाम हिजाब ज़हरा है, मैं एवेकेयर में माहिर ग़िज़ायात हूँ, और मेरा मकसद यहाँ पे आने का ये है कि आपके बच्चों की ग़िज़ा पे हम फोकस करें। बहुत ज़रूरी है कि आप अभी से, चाहे वो जौन सा जितने भी साल का है, 5 साल का है, 2 साल का है, इवन हम ये भी फोकस करते हैं कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो ख़वातीन हैं वो अपनी खुद को कितना भरपूर ग़िज़ाइयत दे रही हैं, और वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये हम देख रहे हैं। हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें प्री डायबिटीज़ ज़्यादा है, हर जगह आप देख रहे हैं, आलमी तौर पे भी डायबिटीज़ को इतना ज़्यादा जो है वो क्यों हम तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों में और यंग्स में ज़्यादा होने शुरू होगी। वैसे आपने सुना होगा कि हाँ जी उनकी उम्र थी जी शुगर हो गई, अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक बच्चा आया था 13 साल का था, उसको शुगर डायग्नोज हो गई। अब 13 साल इज़ नथिंग, सिर्फ ये कि उसका वेट इतना बढ़ गया हुआ था और वो ना चलता फिरता, वही आजकल के बच्चे जो हैं वो टैब और फ़ोन पे साथ में बैठे रहते हैं और बस वही 4-5 चीज़ें, स्नैक्स, फूड, ये चिप्स वगैरह खाए, बाहर की चीज़ें खाएं, घर की जो अनाज है, जो होल ग्रेन है वो बिल्कुल भी नहीं खाते बच्चे, उनका हमने ना तो टेस्ट डेवलप किया होता है ना उनको पसंद आती है वो चीज़ें, ठीक है। तो आज हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो कि आपको ख़तरनाक सूरत हाल से बचा सकती है डायबिटीज़, और डायबिटीज़ की तरह बहुत से मुख्तलिफ बीमारियों से आप ऑब्वियसली बच सकते हैं अगर आपकी डाइट कंप्लीट है, भरपूर है, आपकी भी और आपकी बच्चे की भी। कभी भी मत सोचा करें, मैंने माओं को बहुत देखा है, मेरी माँ भी ऐसे किया करती थी, अब थोड़ी सी इस चीज़ से फेमिलियर हुई हैं कि खुद को जो है वो टाइम देना चाहिए, खुद की खुराक पे फोकस करना चाहिए। वो करती क्या है, माओं का बहुत कॉमन एक तरीका है कि
खुद खाना छोड़ देंगी या अपना खाना बच्चों के सामने रख देंगी, खुद पूरा पूरा दिन भूखी रहेंगी और उनका खाने स्किप हो रहे होते हैं बाकायदा तौर पे, खाना स्किप है जी और बस सिर्फ बच्चों को खिलाना, ये मेरा ये खाए तो इसका मतलब मैंने खा लिया, और ऐसी बातें लेके हमारे पास माएँ आती हैं, फिर कहती हैं कि मेरे बच्चे की ग्रोथ हाइट नहीं ज़्यादा हो रही, वो छोटा है लेकिन बहुत वेट बहुत ज़्यादा है। तो ये मसले पैदा होते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, क्यों? क्योंकि हमने अपनी नशोनुमा उस तरह से नहीं की जो ग़िज़ा से पूरी होगी और ना ही अपने बच्चों की। ठीक है, अब होता ये है कि अब ये कुछ ऐसे स्टैटिस्टिकल फिगर्स हैं कि जो प्री डायबिटिक स्टेजेस को बता रहे हैं, और हमने यहाँ पे आना और यहाँ पे कैंप करवाने का मकसद ये है कि आप जब यहाँ से फारिग हों कैंप पे अपनी असेसमेंट कराएं, अपने बच्चों की असेसमेंट कराएं। बच्चे बहुत ज़्यादा भी मैंने बात की कि आपको बच्चे लगते नहीं हैं कि मेरे बच्चे में ये चीज़ डिवेलप हो सकती है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। किसी भी मर्ज़ से पहले बहुत सी बीमारियाँ अलामत नहीं छोड़ती जैसे मैंने बताया, और शुगर ऐसी चीज़ है जो कि डाउन सिंड्रोम बहुत से ऐसे मेंटली डिसेबिलिटीज़ में बहुत जल्दी डेवलप हो जाती हैं। शायद मैं वो इतनी जल्दी कैच ना करूँ, कोई और बच्चा वो कैच कर लेगा वो बीमारी, बिकॉज उसकी नशोनुमा या आप कह सकते हैं उसकी जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो स्लो है, मेरे से स्लो है। ठीक है, अब उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी ग्रोथ को इतना करेंगी कि ये ज़िंदगी के दौड़ में आगे निकले इसमें, और मैंने देखा है कि माएँ परेशान होती हैं, ऐसा नहीं कि माएँ परेशान नहीं है कि मेरा बच्चा क्या खाए, लेकिन वो इतना गिव अप कर जाती हैं, इतनी परेशान हो जाती हैं अपने बच्चों को लेके कि ना तो वो खुद को सही से क्योंकि अभी जैसे मैं इसने बात की कि जो स्ट्रेस है जो टेंशन है ना वो हर चीज़ की आप कह सकते हैं वजह है। अगर आप थोड़ी सी परेशानी लेते हैं ना, वो थोड़ी सी परेशानी कर 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 के वो आपके अंदर बिल्डअप होने लगती है, और स्ट्रेस जब भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस रहता है, शुगर का स्ट्रेस का बहुत अहम रोल है, बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। आपकी बॉडी में स्ट्रेस रहेगा दैट विल रेज योर शुगर, आपके बॉडी के जो जो आपकी खून की नालियाँ हैं उसमें शुगर का लेवल रेज रहेगा क्योंकि वो हार्मोन्स रेज्ड हैं जो आपके शुगर को बढ़ाते हैं। तो खुद को और आधी से ज़्यादा चीज़ों को अल्लाह पर छोड़ दें, और आधी से ज़्यादा चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल और अपनी ग़िज़ा पर छोड़ दें। अब ग़िज़ा में ऐसी क्या चीज़ें हैं? जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक डायबिटीज़ है जो कि मोस्टली जो प्रेगनेंसी के दौरान आपने सुना होगा कि बच्चे की पैदाइश पे जो है उसको शुगर हो गई या उसके बाद डेवलप हुई, पहले उसको शुगर नहीं थी, बिल्कुल हेल्दी है उसको, उसके बिल्कुल बच्चा पैदा होने के कुछ दिन बाद या उस टाइम भी जस्ट आफ्टर डिलीवरी कुछ लोगों में शुगर हो जाती है। तो वो इसलिए होती है कि आपने उस स्टेज पे ना तो उतनी ग़िज़ा ली होती है और ना ही बच्चे को उतनी ग़िज़ा मिली होती है। तो आगे मज़ीद पेचीदगियों से बचने के लिए आप अपनी डाइट को कितना फोकस करना है, कितनी उस पर तवज्जो देनी है, उन चीज़ों की बात करेंगे। टेस्ट की अगर बात की मैंने तो एक HbA1c टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हमारी आवाम बहुत अवेयर है, उनको इन चीज़ों का पता होता है, और आप सबको भी पता होना चाहिए कि शुगर टेस्ट करवाना, जिस तरह आय का मुआयना करवाना, ये सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमें करनी चाहिए, क्योंकि हम उस दौर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर ये चीज़ें और मुश्किल होती जाएंगी। एक चीज़ होती है, किसी ने सुना होगा माहौल की वजह से ये चीज़ हो गई, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और उस सब से बचने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ हेल्प करेगी वो आपकी ग़िज़ा है और आपका लाइफस्टाइल है, जो आप किस तरह से रहते हैं। अगर आप बिल्कुल अच्छा सेटअप है आपका, चहलकदमी वगैरह, वॉक, एक्सरसाइज, बिल्कुल एक्टिव हैं, तो आप उन चीज़ों से बच सकते हैं, और ये सब आपके हाथ में है। ठीक है, इसको आगे कीजिए। ये ओवरऑल ओवरव्यू जो मैंने आपको बताया है कि ये डायबिटीज़ कितनी ज़्यादा हमारे मुल्क में है। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करूंगी कि माएँ इसलिए भी परेशान होती हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन वजूहात हैं जिनकी वजह से ख़वातीन को, माओं को, बाप तो अक्सर बच्चों को नहीं खाना पिलाना कर रहे होते, हालांकि खाना पिलाना करना चाहिए, लेकिन मदर जो है वो परेशान होती हैं क्योंकि उनका फीडिंग हैबिट्स, खिलाने में बड़ा मसला होता है, बिठाने में मसला हो रहा है। अच्छा, बाज़ुकात ऐसा फूड आइटम वो कंज्यूम नहीं कर पाते, मतलब कोई हार्ड चीज़, कोई रोटी है, कोई ऐसी चीज़ है, वो नहीं ले पाते, या तो चबाने में तकलीफ़ हो रही है, या उसको निगलने में तकलीफ़ हो रही है, या कोई ऐसी चीज़ आप दे रहे हैं जिससे बच्चे को या तो एलर्जी है, फूड एलर्जी, हमें नहीं पता लगता, बच्चा या तो वॉमिट कर देता फ़ौरन से, वो नहीं ले रहा, वो चीख रहा है, हमें लगता है कि हमारी शायद सारी मेहनत ज़ाया हो रही है, हम उस टाइम पे अगेन स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं कि बस बच्चा कुछ खा ले इसके मुँह के अंदर चला जाए। अम्माएँ ऐसी करती हैं कि बस इसके अंदर कुछ चला जाए, ग़िज़ा चली जाए, लेकिन वो नहीं जाती। आपको देखना है कि उसमें क्या वजह है कि वो बच्चा नहीं ले रहा, उसके गले में चोकिंग हो रही है, उसको वो फ़ौरन वॉमिट कर रहा है, इसका मतलब कोई एलर्जी है, या उसकी स्टमक, उसका जो मैदा है उस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर रहा, वो कोई ना कोई एलर्जी की सूरत होती है।
उस सूरत में आपने ज़रूर डॉक्टर को दिखाना होता है। अक्सर औकात दूध से ऑटिज़म के बच्चे जो होते हैं उनमें तो पूरा का पूरा एक फूड ग्रुप, वो कहते हैं पूरा पूरा दूध से बनी चीज़ें नहीं खानी, अनाज जो रोटी है गंदम है पूरा का पूरा नहीं खाना, वो बहुत पिकी ईटर्स होते हैं। आप लोग इस चीज़ से इत्तेफाक करते होंगे, बच्चे बहुत पिकी होते हैं, ये चीज़ खानी अच्छा बस यही खानी, और फिर माए कहते हैं चलो कुछ तो खा रहे। लेकिन यही चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं कि आपको वैरायटी ऐड करनी है, 4 से 5 चीज़ों का मिक्सचर जिसमें आपकी प्रोटीन है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ओमेगा 3 फैट्स। किसी को कुछ आइडिया है ये मैंने क्या बोला है? ओमेगा 3 फैट्स क्या चीज़ है? किसी को कोई आइडिया नहीं है? फूड में होता है किस? हाँ बिल्कुल, सी फूड में होता है क्या चीज़? हाँ ये टाइप ऑफ एग्जैक्टली ओमेगा 3 फैटी एसिड टाइप है। ओमेगा 3 आप कह लें कि अच्छी चिकनाई होती है, एक बुरी चिकनाई होती है। वो चिकनाई जो आपको ज़रूरी है, ये आपके लिए ये मत सोचें कि ओमेगा 3 फैट्स है तो फैट्स ही। अक्सर लोग कहते हैं फैट्स ठीक है उसको कट डाउन करें, फैट नहीं, ये वो ज़रूरी फैट है जो आपके एक एक खुलिए एक एक सेल को ज़रूरी चाहिए। क्यों चाहिए? आपकी ग्रोथ, अब यहाँ पर मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि बच्चों की ग्रोथ स्लो है, हाइट मेरे से ज़्यादा उसकी और स्लो ग्रो होगी हाइट में, वेट उसका उस तरह से ज़्यादा या कम जो चेंज आएगा वो डिफरेंट होगा। मैं शायद मेरा फॉर एग्जांपल मैंने वेट लॉस करना हो मैं शायद जल्दी कर पाऊँ, लेकिन बच्चे को बहुत से बच्चे डाउन सिंड्रोम के स्पेशली या बहुत सी ऐसी कंडीशन है, सेरेब्रल पाल्सी के होते हैं, मोटर न्यूरॉन के मसले हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियाँ जो आपके ब्रेन को दिमाग को असर कर रही होती हैं, उन सब बीमारियों में आपकी स्लो हर चीज़ स्लो हो गई है। परेशान नहीं होना कि ये शायद एक मुख्तलिफ दुनिया है हमारे लिए, मुख्तलिफ कुछ है। हाँ एक चैलेंज है, चैलेंज ज़रूर है आपके लिए, लेकिन चैलेंज वो ये है कि आपने बस समझना है कि मैंने अपने बच्चे को एक सुपरमैन बनाना है और मैं उसकी एक सुपर मॉम हूँ। अब वो सुपर मॉम को हर सुपर फूड पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे नंबर 1 ओमेगा 3 फैट्स हैं। ओमेगा 3 फैट्स की सबसे इंपॉर्टेंट सी, आपके बच्चे कोई दुनिया में ऐसा बच्चा नहीं इसको स्पेशल या सुपर किड्स कहा जाए, आपके पास नंबर 1 ऑप्शन पता है कि आप मेरे बच्चे जो हैं वो सुपर किड्स हैं, सो आपने उनके लिए सुपर चॉइसेस चूज़ करनी है। आज हम उन तमाम चीज़ों का जिक्र करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, और मैं चाहूँगी और मुझे खुशी होगी कि आप लोग अगर यहाँ से बाहर जाएँ, असेसमेंट कराएँ बच्चों का, वेट वगैरह वो पूछें और आपको वो गाइड करेंगी क्या चीज़ें अच्छी हैं गिज़ा के लिए, कैल्शियम की कौन सी और सोर्सेज हो सकती हैं। बिकॉज मैंने देखा है कि बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि वो दूध नहीं पीते, दूध से बनी चीज़ों को साइड पर कर देते हैं, तो उसके अलावा अब कैल्शियम और विटामिन डी कहाँ से लाएं बच्चों का? वो चीज़ें जब आपको वो बाहर बच्चे जो हैं वो अगर कैंप पे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर यहाँ से आप लोग कुछ उनको बताएं कि हाँ ये भी तो हो सकता है, हाँ ओमेगा 3 फैट्स गुड, तो आई वुड रियली बी हैप्पी अबाउट दैट। ठीक है तो आगे चलते हैं। अच्छा ये जैसे मैंने बात की कि ये कुछ चीज़ें हैं, आपने बस रूल आउट करनी है कि मेरे बच्चे में मसला क्या आ रहा है, चबाने का मसला आ रहा है, गले में खाना फंस जाता है उसका मसला आ रहा है, कोई सी खाने की चीज़ से एलर्जी हो रही है उसका मसला आ रहा है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे बहुत फूड रिस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं, अब जब फूड रिस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं ना उसके लिए आपने ना थोड़ी सी चलाकी करनी होती है, थोड़ी सी गेम करनी है बच्चों के साथ। वो गेम ये है, बच्चे भी सुन रहे हैं आप लोग, उनको थोड़ा थोड़ा तो आइडिया हो जाएगा कि ये हमारे ऊपर गेम चल रही है। अब उसमें ये है कि जब भी बच्चे एक चीज़ को खाते रहते हैं, अब वो नेक्स्ट टाइम आप कोई नई चीज़ टेबल पे पड़ी होगी ना तो वो वही खाएंगे। एक हमारे में अंदर भी आदत होती है, जो हमें चीज़ पसंद है हम वही खाना शुरू हो जाते हैं। और आप वैरायटी जब नहीं है ना फूड में, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल नहीं डाले, फ्रूट्स नहीं डाले, अब वो बच्चा फॉर एग्जांपल एक बिस्किट है या एक चिप्स के खाने की आदत है, वो खाई जाएगा उसके अलावा कुछ नहीं हाथ लगाएगा, टेबल पर सब रखते हैं। आपने ये करना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी उसकी कोई मील की एक कॉन्सेप्ट बनाए कि एक प्लेट बनाए, प्लेट में एक तो उसका पसंदीदा फूड लाजमन दें, कभी भी मत ये सोचें कि मैं उसको उसका फेवरेट फूड नहीं दूंगी, अब से यही खाना है तुमने, ये नहीं करना। बच्चा कभी भी नहीं खाएगा, ज़िंदगी भर नहीं खाएगा। आपने वो उसका जो फेवरेट फूड है उसको कंबाइन करना एक नई चीज़ के साथ, थोड़ा सा क्यूकम्बर ऐड कर दें, थोड़ा सा कोई ना कोई जिसे कहते हैं ना एक योगर्ट में, आगे मैं ना प्लांट सीड्स की बात करूँगी, आप लोगों ने सुना होगा आजकल बहुत ज़्यादा प्लांट सीड्स के ऊपर, अलसी के बीज, चिया सीड, इस पे फोकस होता है, क्यों होता है? ये हैं क्या चीज़ें? वैसे हैं तो बीज ही हैं, क्या चीज़ें में क्या लगता है इसमें क्या हो गया ऐसा कि इतना लोग इसको करते हैं और कहते हैं कि चिया सीड को ऐड कर लें, फ्लैक्स सीड को ऐड कर लें, कद्दू के बीज हैं, इस तरह के बहुत सारे बीज हैं, वो खशखास है,
पॉपी सीड्स हैं, अब ये क्यों यूज़ होते हैं, कोई आइडिया बताएं इसमें हो क्या सकता है ऐसा? फाइबर है, कैल्शियम की बहुत अच्छी सोर्स है, चिया सीड जो हैं कैल्शियम की बहुत अच्छी सोर्स है। अभी मैंने बात की, आपको पता है जो सफ़ेद चने हैं उसमें कैल्शियम है, उसमें आयरन है। अब हम सोचते हैं कि बच्चे अगर नहीं खा रहे तो हम टेंशन की तरफ जाते हैं, ये नहीं सोचते कि मेरे पास ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्या है। बच्चों का उसी तरह से थोड़ा सा चना चाट बना दें, थोड़ा सा उसका फेवरेट फूड रख दिया, एक दो वो बिस्किट क्रैकर या चिप्स खाता है वो साथ ही रखें, फेवरेट फूड कभी माइनस नहीं करना बच्चों का, और वैरायटी ऐड करें साथ कोई ना कोई पानी। अच्छा बच्चों में ना आपने देखा होगा बच्चों में कॉन्स्टिपेशन कब्स का बड़ा कॉमन इशू है, बहुत कॉमन इशू है, और वो नॉर्मली यंगस्टर्स में भी है क्योंकि हम लोगों की ना डाइट में से फाइबर ख़त्म हो गया, फाइबर वाली चीज़ें ही नहीं खाते हम, वो सारी चीज़ें खाते हैं जो बेकरी की हैं, वो सारी चीज़ें खाती हैं जो बनी बनाई हमें बाहर से मिल रही हैं, उन तमाम बनी बनाई चीज़ों में से सारा फाइबर बाहर निकला होता है। इसीलिए हम क्यों, अब आपने देखा होगा अक्सर लोग क्यों बात करते हैं कि वापस पुराने, जिस हम इसने बताया वापस पुराने दौर की तरफ जाएँ, वापस उन चीज़ों की तरफ जाएँ, क्योंकि उन सब में अनाज, उन सब में वाइटमिन, मिनरल्स, फाइबर थे और हम वो सब खाते थे। और वो जो माएँ और माए दादा और वो सारी चीज़ें बोलते हैं कि हम लोग, आप लोगों से सेहतमंद थे, वो बिल्कुल ठीक बोलते हैं। हम ऐसे बोलते हैं कि नहीं आप लोग क्या काम की चीज़ खाते थे, देसी घी खाते थे और ये चीज़ें और वो चीज़ें, बट देवर हेल्दी क्योंकि सब कुछ खालिस था, प्योर था, और हम प्योर प्योरिटी से दूर जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ वैरायटी से दूर जा रहे हैं, चार पाँच फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अनाज का पोर्शन रखें उसको, चावल्स को, अगर बिरयानी या कुछ पुलाव पसंद है, जो भी उसका फेवरेट आइटम है, कोई फ्रूट, कोई मीठा पसंद है, मीठा कट डाउन करें, लेकिन मीठे की जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो बहुत सारी हैं। बेकरी आइटम अगर उसको पसंद है, फॉर एग्जांपल कुकीज़, बेकरीज उसने खानी है, तो घर में आप जो गंदम होल वीट है मैदा नहीं यूज़ करें, होल वीट से ही उसके लिए आप कैसे बेक कर सकते हैं, उसमें सिर्फ क्या बेकिंग पाउडर ऐड करना है, दो तीन और चीज़ें ऐड करें, उसी में चिया सीड का एक चम्मच डाला, उसी में उसके फेवरेट फूड्स डालें, उसको बेक कर दें, कुछ ना कुछ तो बन जाता है। और वो मैंने ये चीज़ें ट्राई की हुई हैं, मुझे पता है कि वो खाई जाती हैं, बड़े मज़े की लगती हैं, ठीक है। वो बस बाहर का एक चस्का होता है कि चलो बाहर से बेकरी, और वही आप चॉकलेट सिर्फ घर में बना लें, उसी में हल्का सा पानी या उसमें चॉकलेट को मिक्स करके एक सिर्फ वो चीज़ वही मिल जाती है, लेकिन वो बस हमें एक होता है कि चलो बच्चा खा रहा है, खुश है, बच्चा ही है, खुश होने दें उसको। तो आप उसकी लॉन्ग टर्म आगे ज़िंदगी की, जिसे कहते हैं ना, उसके खुशहाल होने के लिए, उसके बड़े होने के लिए वो चीज़ें सोचें अभी से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसको करेगा, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, मैंने लिखा आई नीड मोर प्रोटीन, बच्चे खुद कह नहीं रहे होते लेकिन उनका जिस्म ये कह रहा है कि मुझे प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। अब आप उनको प्रोटीन किस तरह से देते हैं, अमूमन बीफ, मटन, इस तरह की चीज़ें होती हैं, फ़िश नहीं खाई जा रही, फ़िश क्यों नहीं? आप में से मुझे बताएं कौन अपने बच्चों को फ़िश देता है, आप मुझे बताओ, आप हंस रहे हो, फ़िश खाते हो, फ़िश खाते हो, मामा मछली बनाती हैं खाते हो, नहीं खाते हो? आपसे बात कर रही हूँ, क्या नाम है इसका, क्या नाम क्या है इसका, फिजान, अफान, अफान फिश खाते हो? अच्छा फिश खाते हो आप? खाता है, देखो ये वो अच्छा बच्चा है, उसने, मैंने जैसे ही फिश की बात की उसने स्माइल की है, ये फिश एक मज़े की चीज़ है। फिश में अभी मैंने स्टार्ट भी उस बात से किया, ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़िश खिलाएं बच्चों को, फ़िश के मिक्स करके चीज़ें दें, फ़िश अक्सर बच्चे ना जो सालन बनती है या जिस तरह से हम पकाते हैं वो नहीं खाते क्योंकि वो हमारी बड़ों की पसंद है वो खाने की। बच्चों की चॉइसेस को थोड़ा सा फोकस करें, अगर आप उनके मुस्तकबिल पे तवज्जो देना चाहते हैं उनकी खुराक पे तवज्जो दें, इस टाइम सबसे ज़्यादा उनकी खुराक पे और सबसे ज़्यादा उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, कितनी 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 वो अपनी रूटीन में थोड़ा बहुत चल फिर लेते हैं, थोड़ा बहुत खुद को एक्टिव रखते हैं, क्योंकि ज़रा सा भी लेवल का मोटापा नहीं डेवलप होना चाहिए। अभी मैंने कहा चीज़ें स्लो हैं लेकिन मोटापे में इनमें चीज़ें फास्ट हैं, ये जल्दी मोटापा कैच करेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिश के अलावा नट्स, ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं और उसमें आलमंड्स, ठीक है, आलमंड्स और वॉलनट्स खाते हैं कोई यहाँ पे? बादाम और वॉलनट्स के अंदर ओमेगा 3 फैट्स बहुत ज़्यादा हैं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वॉलनट्स और आलमंड्स में, थोड़े से उसको पीछे कीजिएगा मैं सिर्फ ये बोली, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लैक्स सीड, चिया सीड, पम्पकिन सीड, आज से आप लोगों ने मुझसे प्रॉमिस करना है कि बच्चों के खाने में, चाहे वो सुबह नाश्ते में खाता है, चाहे उसको दही खाने की आदत है, आप उसके खानों में सीड्स ज़रूर ऐड करेंगे। सीड्स में कैल्शियम है, फाइबर है, ओमेगा 3 फैट्स हैं जो कि आपके बच्चे के वो हेल्दी फैट्स हैं, अच्छे फैट्स हैं जो आपको चाहिए एक एक सेल तक, और ओमेगा 3 फैट्स डायरेक्टली आपके ब्रेन की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। अगर आप ओमेगा 3 फैट्स दे रहे हैं तो एक तरह से आप उसके ब्रेन को हेल्प कर रहे हैं,
ठीक है, तो अलसी के बीज, चिया सीड, अलसी के बीज तो हर घर में मौजूद हैं, उसके अलावा जो सेसमी सीड होते हैं, वाइट तेल, वो हर घर में मौजूद हैं। कुछ भी उसके लिए बना रहे हैं उसके ऊपर डाल दें एक चम्मच, 2 टेबलस्पून तक आप आराम से दे सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करें, 1/2 टीस्पून से फिर 2 टीस्पून फिर 1 टेबलस्पून, इस तरह करके, ठीक है। एग्स दें अंडों का, बच्चों को अंडे ही ख़त्म कर दिए अम्माओं ने, कि बच्चे अंडे खाते हैं यहाँ पे आप लोगों के, खाते हैं, किस किस के खाते हैं, ठीक है। अंडों का इस्तेमाल लाजमी है, एक अंडा दें, और बच्चा अगर शौक से खाता है 2 अंडे दें, क्योंकि अंडों के अंदर जो प्रोटीन है ना वो किसी प्रोटीन सोर्स में नहीं है। मीट में देना है तो उनको चिकन दें, फिश दें, और अगर पीछे वाली स्लाइड कीजिएगा, हाँ इससे आगे चलते हैं, और सबसे अहम चीज़ कि अंडे ज़रूर दें, प्रोटीन के सबसे बेहतरीन सोर्स है। फाइबर और वाटर इनटेक, मैं इसलिए इस पर बात कर रही हूँ कि फ़ाइबर और वाटर इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों में जिनमें प्रोग्रेस थोड़ी स्लो होती है उनमें कॉन्स्टिपेशन का बहुत कॉमन इशू है, कब्ज़ बहुत कॉमन रहती है, कुछ अर्से के लिए ठीक होती है फिर हो जाती है, और वो बड़ी माओं के लिए प्रॉब्लम होती है, हम क्या करें। बच्चों का पानी का इनटेक बढ़ाएं, सादा पानी नहीं, उनको शिकंजवीन बना दें, उनको घर पे दही मतलब लिक्विड वाली चीज़ें दें, ठीक है, उनको स्मूदी मिक्स एंड मैच कर लें, बच्चे रोटी हमारे आजकल के बच्चे वो चीज़ें नहीं खाते जो अम्माएँ खाती थी, ठीक है, क्यूकम्बर दें, वेजिटेबल्स में बहुत सारी चीज़ें ऐड करें, फ्रूट्स उनको हर तरह का दें ताकि टेस्ट डेवलप हो, विटामिन सी रिच फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, चेरीज हैं, ग्रेपफ्रूट्स हैं, एप्पल्स हैं, बनानास हैं, बच्चों को सब दें, सब दें, बच्चों का फ्लेवर ज़रूर डेवलप करें। मैंने भी बात की कि एक प्लेट बनाएं और उसमें बच्चों को एक फ्रूट चाट पूरी 3 से 4 जो है फ्रूट्स का मिक्स करें। नट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक अवे नोट्स में मैं यही ज़रूर बात करूंगी, फाइबर ज़रूर बढ़ाएं, फाइबर आपका अनाज से आता है, बच्चों का अगर आपने कुछ घर पे बनाना है तो होल व्हीट गंदुम का आटा मिक्स करें, उसमें आप ये जो प्लांट सीड्स का मैंने जिक्र किया उन्हीं प्लांट सीड्स का पाउडर बना के उसी में ऐड कर दें, वो इतनी न्यूट्रिएंट डेंस ऑप्शन हो जाएगी आपके बच्चों के लिए, उसमें भरपूर गजाइत है बच्चों के लिए। और 2 से 3 चीज़ों को चेंज किया करें, एक दिन उसको मैंने चावल बना दिए, पास्ता बना दिया, अगले दिन उसको नगेट्स दे दें, लेकिन नगेट्स घर पे बने हुए, चिकन का कुछ पीस बना दिए, जो उसको बस बच्चों से पूछा करें, बच्चों को ना अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें। माँ समझती हैं मैं ये बना रही हूँ ये तो मैं बहुत अच्छा बना रही हूँ, बच्चा खा लेगा, नहीं खाएगा, उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है आपके साथ भी, किचन में भी, और जो आप फूड चूज़ करें उसमें भी, ठीक है। तो कुछ सुपर फूड्स जिनकी आज हमने बात की, एक तो ओमेगा 3 फैट्स है, उसके अलावा बच्चों में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है आयरन डेफिशिएंसी, आपको पता है, और वो बॉयज़ में बहुत ज़्यादा हो रही है। नॉर्मली फीमेल्स में देखा जाता है कि एनीमिया है, आयरन है, बॉयज़ में जो नेशनल सर्वेज होते हैं उसमें इंडिकेट किया गया है हमारे यंग बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी है, और वो इसलिए क्योंकि हम आयरन रिसोर्सेज नहीं देते। प्लांट्स में आयरन है, प्लांट सीड्स में आयरन है, अभी मैंने बात की जो सफ़ेद चने हैं, चिकपी है, सेसमे सीड्स में आयरन है, ये बड़ी ऐसी सोर्सेज हैं जो इतनी इनरिच सोर्सेज हैं लेकिन उनको हमने कभी तवज्जो नहीं दी, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को इन्वॉल्व करें, खाना बन रहा है उनको उनके सामने बनाएं, उनको लगे कि ऐसी चीज़ें जो कि हमारी ज़िंदगी की बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, मैंने भी बोला कि बहुत हसास होते हैं, आप उनका खाना बनाते हुए अगर आप शो करें यू आर हैप्पी तो वो समझते हैं कि दिस इज़ समथिंग इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। लेकिन अगर आप वही ख़ुद भी वही निढाल हाल होता है, आई नो कि कभी कभार बंदा थका हुआ होता है, नहीं दिल कर रहा होता, लेकिन बच्चे चीज़ें नोट करते हैं, मैं इसीलिए इसको फोकस कर रही हूँ। बच्चे अगर आप उनको जो चीज़ नहीं भी ऐड करते हो ना वो नोट करते हैं कि चीज़ ऐड हुई है, आज वो क्यूकम्बर छोड़ देंगे, अपना फेवरेट फूड खा लेंगे, दूसरे दिन उसको देखेंगे नहीं खाएंगे, चौथे दिन उसको टेस्ट ज़रूर करेंगे, वो टेस्ट हो जाए टेस्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता ऐड होने शुरू हो जाती है। ये जो वेजिटेबल्स हैं ये फाइबर की बड़ी अच्छी सोर्स है, फाइबर बढ़ाएं, वाटर बढ़ाएं, विटामिन डी कैल्शियम बढ़ाएं, और बाहर अभी जो कैंप होगा उसमें बच्चों ने आपको एक वो पैम्फलेट सा देंगे, उसमें कैल्शियम विटामिन डी सब की सोर्सेज हैं, उनसे बेशक समझ लीजिएगा, लेकिन अपने बच्चों की ग़िज़ा का आप ख्याल रखेंगे, उनका मुस्तकबिल भी सेफ, आपका मुस्तकबिल भी सेफ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सबके पेशेंस का, आप सबके इधर आने का, और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछिए। अच्छा मिस, अंडों का ना आजकल देसी अंडों के अंदर भी 2 नंबरी हो रही है, वो पानी चढ़ा हुआ है उस पर, तो अंडे अगर तो आपको पता है कि दिस इज़ ऑथेंटिक, आपने खुद से मंगवाते हैं कहीं से वो तो ठीक है, देसी अंडे बहुत अच्छे हैं। और अंडों के अंदर जैसे मिस ने बात की, अंडे के अंदर लाइसिथिन है, वो ब्लड प्रेशर को कम करता है, तो अब आप इस चीज़ को देख लें, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ सब खा सकते हैं अंडे, तो अंडे बहुत
मिल सकते हैं तो आप शेवर हाँ, के भी ले सकते हैं, सारी दुनिया शेवर के अंडे खा रही है, हम भी खा सकते हैं कुछ नहीं जी। अच्छा, एक तो डॉक्टर रबिया ने जैसे बात की थी कि एक तो शुगर की बीमारी में भूख ज़्यादा लगती है जब आपकी शुगर सही तरह से कंट्रोल नहीं होती। अगर आप कह रही हैं कि जी शुगर कंट्रोल है सो भूख हर एक की डिफरेंट होती है ना, कुछ लोगों को ज़्यादा लगती है, कुछ को कम लगती है। सो इसमें जो भूख को ख़त्म करने वाली चीज़ें हैं ना, जैसे आप हम कहते हैं कि जब आप खाना खा रहे हैं तो जब हम क्यों कहते हैं कि वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वो ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें, उससे पेट भरा रहता है और भूख नहीं लगती है ज़्यादा। सो अगर वही आप सिर्फ एक चपाती ले लेंगी, थोड़ा सा सालन ले लेंगी तो कुछ देर बाद आपको फिर भूख लग जाएगी। लेकिन अगर आपकी एक टाइम की डाइट में फाइबर बहुत ज़्यादा ऐड हो जाएगा, फिलर्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर आपका भूख भी थोड़ी सी मेंटेन हो जाएगी। सो उसको इस तरह किया जा सकता है जी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चिया सीड्स के हम सर्दियों में भी बच्चों को दे आराम से दे सकते हैं। अच्छा, जो ठंडी और गर्म तासीर का मतलब है कि वो न्यूट्रिएंट डेंस है, उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है। इतनी सी चीज़ है लेकिन उसमें इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा मिकदार में, ठीक है। मौसम के साथ कोई लिंक नहीं है। मैंने आपको बोला कि 2 टेबल स्पून तक सेफ है, लेकिन बच्चों में जब ऐड करना स्टार्ट करें तो टीस्पून से स्टार्ट करें। 1 टीस्पून दही में ऐड किया, खानों में ऐड किया, फिर 1.5 पे जाएं, 2 पे जाएं, 3 पे जाएं, क्योंकि जब ये बढ़ाते हैं ना बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है। पानी ज़रूर साथ रखना है, अगर फाइबर बढ़ा है डाइट में तो पानी भी उसी हिसाब से। अच्छा, ये छोटे बच्चों में ना चॉकिंग खाना फंसने का जो है वो, क्योंकि ज़्यादा खर्चा होता है तो सीड्स उनको छोटे बच्चों के लिए, देखिए नॉर्मली हर तरह का खाना दिया जा सकता है, सिर्फ उसकी फॉर्म आपको डिसाइड करनी है। जैसे मैं कल अपनी ऑडियंस को बता रही थी कि 9 माह की उम्र से अगर आप बच्चे को वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उसके अंदर टेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो आप वेजिटेबल दे सकते हैं, सिर्फ उसको मैश करके देना है। आप गाजर ले लीजिए, आप आलू ले लीजिए, लेकिन उसको मैश करके दीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध आप मिला सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तो 1 साल की उम्र के बाद बच्चे को हर उस ग़िज़ा की ज़रूरत है जो बड़े को ज़रूरत है, जो हमें चाहिए वही बच्चे को चाहिए। सिर्फ ये कि स्पाइसेस नहीं हो, उसकी फॉर्म थोड़ी सी ऐसी हो कि बच्चा खाने में उसके लिए आसान हो। और थोड़ा सा ना बच्चों को 1 से 2 साल की उम्र में स्नैक्स ज़्यादा पसंद होते हैं, जैसे हिजाब ने भी कहा नगेट्स आपने उनको बना के दे दिए, घर के अंदर ही कुछ फूड का अच्छा सा फॉर्म बना दिया, शेप्स बच्चों को अच्छी लगती हैं वो आपने बना के दे दी। अच्छा, ये जो आपने गर्म और ठंडे की बात की ना, ये हमारी कंट्री में बहुत सारे फूड मिथ्स हैं। जैसे अब ऑरेंजेस हैं जो सिट्रस फ्रूट जितना भी है वो सर्दियों में ही आता है ना, सो माँ बाप नहीं देते कि इससे नज़ला हो जाता है, सो वो सिट्रस फ्रूट बंद कर दिए जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्मियों में अंडे बंद कर दिए जाते हैं कि अंडे गर्म होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये फूड मिथ्स हैं इस, हाँ इसको थोड़ा सा पढ़िए भी इसको। हमारे जो एल्डर्स थे ना वो बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन ज़ाहिर है उनको उस तरह से नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट्स बिठाए होते कि ये खाना है ये नहीं खाना। अब मैं कहती हूँ कि अब इतनी न्यूट्रिशन में जैसे रेवोल्यूशन हो चुकी है, इतनी एजुकेशन आ चुकी है, तो अब हमें अपने वो कॉन्सेप्ट्स चेंज करने चाहिए ना। अब वो वाली चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए जो बड़े बूढ़े कहते थे जी। जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एक हमेशा जब बच्चों को डाइट जो भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहले कोशिश ये होती है कि कोई एक फूड ग्रुप दें। जैसे आप अगर गाजर देना चाह रही हैं तो पहले आप उसको 1 हफ्ते तक सिर्फ एक ही वेजिटेबल दें, और दूसरा ये है कि उसकी क्वांटिटी कम रखें। तो इस तरह आप बच्चे के अंदर फूड एलर्जीज भी डेवलप नहीं होती हैं, उसको डाइजेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये इस तरह से अच्छा इंट्रोड्यूस होता है। मैंने बताया कि शेक्स अच्छी ऑप्शन है, उस शेक्स में आप ड्राई फ्रूट्स जो हार्ड ड्राई फ्रूट्स हैं, वॉलनट्स हैं, आलमंड्स हैं, कैशनट्स, उनका पाउडर बना लें, वो प्रोटीन पाउडर बन जाएगा। जी, 1 चम्मच ऐड कर दिया उसके मिल्क शेक में, उसे खा लो, दही मिल्क आफ्टर 2 to 3 years हम स्टार्ट करें, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल।